महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और अगर शहर की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना ने अपने पैर पसारे हुए हैं। मुंबई की 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की झोपड़पट्टियों में 10 लाख लोग रहते हैं। इस वजह से कोरोना वायरस तेजी से इन झोपड़पट्टियों में फैला और अब पूरे शहर का स्वास्थ्य खतरे में है। जब ये झोपड़पट्टी बनाई गई तब किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। आज जब पूरा देश खतरे में है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सब इस वायरस से परेशान है और अब ये वायरस सबसे ज्यादा इन झुग्गी झोपड़ियों में फैल रहा है। उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा है कि इन झोपड़पट्टियों का निर्माण करने वाले बिल्डरों को शर्म आनी चाहिए। टाटा ने कहा कि मुंबई में झोपड़पट्टियों के पुनर्वास के लिए बिल्डरों ने झोपड़पट्टियों को गिराकर वहां ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी कर दी और खूब पैसा कमाया, लेकिन इन बिल्डिंग्स के घरों में वेंटिलेशन नहीं है, ऐसे चिपकाकर बिल्डिंग का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र की झोपड़पट्टियों को गिराया जाता है और दूसरे हिस्से की झोपड़पट्टियों को फिर से बनाया जाता है, इसलिए पूरे शहर का स्वास्थ्य अब खतरे में है। टाटा ने यह भी कहा कि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि कैसे एक बीमारी दुनिया पर राज करती है। ये बीमारी हमारे लक्ष्य और काम करने के तरीके को बदल रही है। अब समय आ गया है अच्छी गुणवत्ता वाले घरों पर विचार करना चाहिए।